My name is F. Rahman. My wife is Sajia Rahman. We come from Parivan complex near Saket. Actually, she had developed a sort of a stomach pain about 2 years back. Initially, we consulted some local physicians where she got some local medicine, but somehow the problems could not be detected directly. So, in the month of December 2020, she had been to Calcutta where she met a family doctor. So, he advised just to go for ultrasound. After undergoing of the ultrasound, it has been detected that she has developed sort of a SOL, a small lump just above her kidney. I mean, it was supra, just above the kidney. And but the ultrasound, it has mentioned the size about 7.2 centimeters. Then we try to consult any of the other of the urology department and all. So they finally recommended us to Tata Medical Center in Calcutta. Then also we underwent lot of medical tests. सबिया रहमान जो कि बनारस से आई हमारे पास, इनका बनारस के अंदर पाया गया एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि उनका एक एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक ट्यूमर है. जो एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है. बनारस में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि उनके जो ट्यूमर है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, और साथ में उन्होंने किडनी को भी राइट साइड की किडनी को इन्वॉल्व किया है. खून की जो बड़ी नस होती है जिसको हम लोग IVC बोलते हैं, उसको भी इन्वॉल्व किया है, और लीवर के अंदर तक भी वो इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है. तो इसी को देखते हुए वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको दिल्ली के लिए रेफ़र किया. दिल्ली में भी उन्होंने काफ़ी ओपिनियन लेने के बाद में डिफरेंट हॉस्पिटल से मणिपाल में हमारे पास आए. तो काफ़ी चैलेंजिंग केस था, जो कि मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी एक्सटेंसिव डिजीज़ थी. तो हमने इसको प्रॉपर डिस्कशंस और सभी डॉक्टर्स ने मिलके जो अपना एक ओपिनियन उनको दिया, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और हमने उनका सर्जरी ऐसे प्लान किया कि हम लोग उनका पूरा ट्यूमर निकाल पाए. राइट साइड की जो किडनी जो इन्वॉल्व हो रही थी उसको भी उनका सेव किया, और इन्फीरियर वेना केवा जो कि बड़ा हमारा ब्लड वेसल्स है, वो जो उसके ट्यूमर के साथ में जुड़ा हुआ था या इन्फिल्ट्रेटेड था, उसको भी रिसेक्ट करने के बाद में उसको रिपेयर किया गया. हम बहुत इस चीज़ से खुश हैं कि उनका रिकवरी जो था बहुत ही फास्ट रहा, बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, और वो कम्प्लीटली ट्यूमर को निकालने में हम लोग कामयाब हुए.